नमस्कार, मैं हूं विष्णु शर्मा। इन दिनों अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि आप जिस बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं वो सेविंग अकाउंट पर कितना ब्याज दे रहा है। कई लोग सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज दर और सेविंग अकाउंट पर लगने वाले चार्जेज को जाने बिना ही किसी भी बैंक अकाउंट में अपना खाता खुलवा लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि सेविंग अकाउंट खुलवाने से पहले इन पांच बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। मंथली एवरेज बैलेंस यानी वो अमाउंट जिसे आपको अपने अकाउंट में रखना जरूरी है। अलग अलग बैंकों में यह अमाउंट कम और ज्यादा हो सकता है। ऐसे में खाता खुलवाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मिनिमम बैलेंस जितना हो सके उतना कम हो, वरना आपको पेनाल्टी भरना पड़ सकता है। मंथली एवरेज बैलेंस R1 और सेमी R1 के हिसाब से अलग अलग होते हैं। किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते समय आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो बैंक आपको सेविंग खाते पर कितना इंटरेस्ट दे रहा है। अलग अलग बैंक आपको अलग अलग रेट देते हैं। ऐसे में आप हर बैंक के बारे में जानकारी लें और उसमें अपना खाता खुलवाए। हर बैंक आपको ऑनलाइन बैंकिंग और ऐप की सुविधा देता है, मगर ऐसे में किस बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग ज्यादा सरल और सिक्योर हो आप उसी में अपना खाता खुलवाए। इसी तरह आप ये भी देखें कि बैंक ऐप जितना हो सके उतना लाइट हो, वरना आपको इसे यूज करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। SBI सहित देश के कई बड़े बैंकों के ग्राहकों को कई तरह के अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। इनमें से एक ही SBI का सेविंग प्लस अकाउंट है। यह अकाउंट मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट से लिंक होते हैं। उसमें से सरप्लस अमाउंट तय सीमा से अधिक होने पर खुद ब खुद फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर हो जाता है। इसमें आप सेविंग अकाउंट की तुलना में आप ज्यादा ब्याज पा सकते हैं। बैंक अपने बैलेंस मैसेज भेजने, ATM से पैसे निकालने, चेकबुक लेने और बैंक में जाकर पैसे निकालने या जमा करने पर कुछ भी शुल्क वसूलते हैं। तो ऐसे में सेविंग अकाउंट खुलवाने से पहले इस तरह के चार्जेस के बारे में पता करें।